एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास जाता है और बोलता है, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी बहुत खुश हुआ, उसने पेड़ को धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ सबकी इच्छा पूरी करने लगा। कुछ साल बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया, उसकी शक्तियाँ भी खत्म होने लगी थी। एक दिन एक औरत पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए अनाज चाहिए। उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई, पेड़ को बहुत दुख हुआ और वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी खोई शक्तियाँ वापस आ जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। इच्छा पूर्ति पेड़ रोने लगा। इच्छा पूर्ति पेड़ को रोता हुआ देखकर भगवान आए और बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, कृपया मेरी मदद कीजिए। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है, अगर उस कुएं से पानी लाकर कोई तुम्हें डाल दे तो तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। पेड़ रोने लगा। वह सोचने लगा कौन उसकी मदद करेगा। वह बहुत दुखी हुआ। पेड़ को रोता हुआ देखकर एक आदमी उसके पास आया और बोला, क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने सारी हकीकत आदमी को बताई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदमी तुरंत ही कुएं के पास गया। उसने तुरंत ही बोतल में पानी भरा, पेड़ में डाल दिया। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गई थी। पेड़ अब बहुत खुश था। अब वह लोगों की मदद फिर से करने लगा और उसे बहुत खुशी मिली। अब वह बहुत खुश था।